देखते हैं, इसमें कुछ प्रैक्टिस हम और कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ले रहा हूं मैं 6x2, ठीक है, क्वेश्चन है मेरे पास 6x2 प्लस 11x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसको मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी करूंगा और फिर मैं इसको श्रीधराचार्य लॉ से भी करूंगा और जो फैक्टराइजेशन मेथड हम पहले कर चुके हैं उससे भी मैं आपको उसको करके दिखा दूंगा। तो ये तीनों तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करता हूं, ठीक है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का फंडा क्या था, x स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। तो क्या करेंगे, बोथ साइड हम एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट यहां पे क्या है, एक्स है, तो एक्स है हम बोथ, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जो है यहां पे वो क्या है, 6 है, तो बोथ साइड हम 6 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग बाय 6 ऑन बोथ साइड, और मैंने आपको बताया था ये 6 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा और इसको, बिकॉज पूरे में ही डिवाइड कर रहे हैं ना हम LHS में, तो आप इसको तीन पार्ट्स में स्प्लिट भी कर सकते हो। 6x2 upon 6 प्लस 11x upon 6 प्लस 3/6 इज इक्वल्स टू 0/6। मैंने आपको बताया 0/something कितना आता है, 0 आता है, और समथिंग अपॉन 0 कितना आता है, सपोज अगर यहाँ पे 6/0 होता तो कितना आता, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इन सब ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ पहले। ये 6 से 6 देखिए कैंसिल हो गया है, ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगा, ये आ गया क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको 11x/6 को आप क्या लिख सकते हो, 11x/6 को आप 11/6x भी लिख सकते हो, प्लस 3 1 3 3 2 6, तो ये आ गया हमारे पास 1/2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते थे, अब हम जो कांस्टेंट टर्म c होता था, देखिए ये कैसा बिहेव कर रहा है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax2 प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, पहले x2 का टर्म आता है फिर x का फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर का टर्म है, ये x का ये कांस्टेंट टर्म, अब क्या करते हैं कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, चलिए x स्क्वायर प्लस 11/6 x प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, इक्वल टू ये 1/2 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, 0 - 1/2 कितना आएगा, -1/2, ये -1/2 हो गया। अब क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि x का जो भी कोफिशियंट है, देखिए यहाँ पे x का कोफिशियंट क्या है, x का कोफिशियंट है आपका 11/6, x के कोफिशियंट का हाफ करिए, तो देखिए x का कोफिशियंट क्या है मेरा 11/6, इसके आगे साइन का ध्यान नहीं देना आपको, प्लस प्लस हो या माइनस हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस आप देख लो कि यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी लिखी हुई है, तो 11/6 का हाफ करना है, हाफ करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, नीचे आप इनटू में 2 कर दीजिए, जिसको कि हम बोलते हैं कि 2 से डिवाइड कर दिया, इसको हमने हाफ कर दिया, अब इसका स्क्वायर कर लो आप, ठीक है, मतलब 11/6 2 12, ठीक है। तो क्या किया, x के कोफिशिएंट के आधे का के हाफ का, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर दो आप, ठीक है, तो एडिंग 11/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, वी गेट x स्क्वायर प्लस 11/6 x प्लस 11/12 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1/2 प्लस 11/12 होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं आगे, इसके बाद क्या करते हैं हम चेक करते हैं x का जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देखिए पॉजिटिव है तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2 इनटू a इनटू b प्लस b स्क्वायर। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, x के कोफिशिएंट के आगे जो साइन है ना उससे आप फॉर्मूला पहचान, तो यहां प्लस का इसलिए a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा, और देखिए ये x कैसा बिहेव करेगा, a जैसा, ठीक है, तो x आ गया प्लस ये मिडिल टर्म को आप छोड़ देते हो, 11/12 कैसा बिहेव करेगा, बी जैसा, 11/12 बी जैसा बिहेव कर रहा है, ये होल स्क्वायर हो गया, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, इज इक्वल्स टू -1/2 और प्लस 11/12, यहां पे मैं चलिए इसको
सिंपलीफाई कर लेता हूँ, 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ये हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि मिडिल टर्म कहाँ गया, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको ओपन करो क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, ए की जगह क्या आएगा x इंटू बी, बी की जगह क्या आएगा 11/12, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर मतलब 11/12 का स्क्वायर, 2 × 2, 2 × 6 = 12, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 11/6 प्लस 11/12 का स्क्वायर, देखिए वही आया, जस्ट पहले वाला टर्म ही है आपका, पहले क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 11/6 इंटू एक्स प्लस 11/12 का होल स्क्वायर, तो यही है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 11 इंटू सॉरी एक्स इंटू 11/6 प्लस 11/12 का होल स्क्वायर, मतलब हम इस पूरी वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 11/12 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते थे, राइट हैंड साइड को हम सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, ये 11/12 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, 144 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, ऑब्वियसली 144 ही आएगा, और 144 को आप किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करिए, 2 × 7 = 14 और 2 × 2 = 4, 72 आया है, और 72 को -1 से मल्टीप्लाई करिए तो 72 × -1 = -72 प्लस 121 ओनली 1 से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज देखिए एलसीएम कितना है 144 और उसके डिनोमिनेटर में कितना है 144, से इसको आप डिवाइड करोगे 1 आएगा, एंड 121 × 1 = 121। ठीक है, ये हो गया मेरा, और 11 x + 11/12 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, माइनस साइन किसका लगेगा, प्लस का जो नंबर बड़ा है, तो देखिए जरा 121 - 72, ये 11 में से 2 गया 9 और यहां से कैरी 1 गया, 11 में से 7 गया 4 प्लस 49, तो ये हो गया मेरा प्लस 49 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा मेरे पास 144। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ स्क्वायर लगाए, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा राइट हैंड साइड में, स्क्वायर रूट लगेगा एक्स प्लस 11/12 इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए जरा स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा राइट हैंड साइड पे 49/144। क्या हमने कुछ गलत किया है, यस, मैंने आपको बताया जब भी एलएचएस से आप स्क्वायर हटाते हो, राइट हैंड साइड आप स्क्वायर रूट लगाते हो तो आगे दो साइन भी लगाओगे आप, प्लस एंड माइनस। अब इसको आगे हम देखते हैं आगे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए जरा इस क्वेश्चन को, तो ये इसको हम ऐसे नोट कर लेते हैं, x प्लस 11/12 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना होता है 7, स्क्वायर रूट ऑफ 144 कितना होता है 12। अब मैंने आपको क्या बताया, एक बार आप पॉजिटिव साइन लोगे और एक बार आप नेगेटिव साइन लोगे, तो क्या लिखेंगे हम, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन क्या हो जाएगा, x प्लस 11/12 इज इक्वल्स टू कैसा, प्लस का 7/12, प्लस तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7/12, और ये 11/12 राइट हैंड साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -11/12। ठीक है, x इज इक्वल्स टू, देखिए डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो सिंपल एलसीएम 12 ही आएगा, ये हो जाएगा 7 - 11, दिस इंप्लाइज दैट, या आप नीचे कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, माइनस साइन लगेगा माइनस का, माइनस 4/12, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12 इज इक्वल्स टू -1/3। ठीक है, तो ये पहला आंसर आया, मेरी x की वैल्यू आई है पहली, तो मैं यहां देखिए अलग से नोट कर देता हूँ, x इज इक्वल्स टू -1/3 आया है, और दूसरा आंसर कैसे आएगा, बाय टेकिंग नेगेटिव साइन। अब देखिए चलिए हम नेगेटिव साइन ले लेते हैं, ठीक है, यहां पे मैं आपको सॉल्व कर दे रहा हूं क्वेश्चन को, रिमेनिंग पार्ट, टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव साइन लेने पर क्या हो जाएगा, देखिए ये वाले स्टेप में x प्लस 11/12
एक्स प्लस 11 बाय 12 इज इक्वल्स टू, कैसा साइन लेंगे इस बार, नेगेटिव, यस, माइनस 7 बाय 12, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 7 बाय 12 तो ऐसे ही रहेगा और ये माइनस 11 बाय 12 राइट हैंड साइड में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये x इज इक्वल्स टू 12 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 12 ही आएगा, माइनस 7 ऐसे ही रहेगा, माइनस 11 भी ऐसे ही रहेगा बिकॉज ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी, ठीक है, तो ये आपको पता ही है, ये 8-9 की चीजें हैं, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, 11 प्लस 7 18, ठीक है। अब इसको हम ये कौन से नंबर से कैंसिल होगा देख लेते हैं, 3 से कैंसिल, 6 से होगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 इज इक्वल्स टू माइनस 3 बाय 2, तो x की दूसरी वैल्यू क्या आई हमारी, x इज इक्वल्स टू माइनस 3 बाय 2, तो ये हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर थे, मैंने इसको सॉल्व किया, मैं इसको सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य रूल से भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए कुछ जैसे कि यहाँ पे भी पॉजिटिव था, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए पॉजिटिव है, मैं आपको ना अभी सिंपल सिंपल चीजें मैं आपको करके पहले आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, फिर हम और भी क्वेश्चंस करते रहेंगे आगे जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है जिसमें रूट भी लगा होता है किसी नंबर पे, वो सारी चीजें भी हम करेंगे, बट एक बार हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैट्रिक्स से इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए सेम क्वेश्चन को मैं आपको श्रीधराचार्य रूल या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कराने जा रहा हूं और आंसर्स देखिए मैंने नोट कर दिए, x इज इक्वल्स टू -1/3 एंड x इज इक्वल्स टू -3/2, ठीक है। तो देखिए क्या बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, श्रीधराचार्य रूल या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, फॉर्मूला था हमारे पास x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये हमारे पास फॉर्मूला था वेयर b स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। तो चलो सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल के ये चेक करते हैं कि क्या इसके रूट्स पॉसिबल है, मतलब क्या इसके रूट्स रियल हैं या नहीं है। तो रियल का रियल की कंडीशन क्या थी, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब d या तो 0 के इक्वल हो या तो 0 से बड़ा हो, मतलब ये आपको जो भी डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी रूट्स कैसे आएंगे, रियल आएंगे। तो मैं निकाल लेता हूं, उससे पहले ये जो 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर करिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से अगर आप कंपेयर करोगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहां पे 6, यहां पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6, देखिए x का कोफिशिएंट क्या है यहां पे b स्टैंडर्ड फॉर्म में और x का कोफिशिएंट क्या है आपका 11, कैसा प्लस का साइन आपको ध्यान रखना है, b की वैल्यू कितनी आ गई 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल्स टू 3 हो गया, ठीक है। अब मैं देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल रहा हूं, डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं ये कैसा आता है, देखिए b क्या है आपका 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 6 इंटू c क्या है 3, तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 4 6 इज 24 और 24 इंटू 3 4 जा 12 2 कैरी 1 3 2 जा 6 7 ठीक है 72 इज इक्वल्स टू 49, 121 माइनस 72 49 अभी लास्ट टाइम भी किया था, तो d कैसा है आपका 49 which is positive means d is greater than 0, discriminant 0 से बड़ा है, मतलब इस quadratic equation के roots कैसे होंगे, real होंगे, yes, तो इसके roots real होंगे, तो आइए निकाल लेते हैं। तो देखिए x is equals to minus ये मैंने लगाया है, what is the value of b, b is equals to 11 plus minus लगेगा, यहाँ पे ध्यान देना है root over b square minus 4ac क्या होता है, ये discriminant होता है, हम पहले ही निकाल चुके हैं 49 आ रहा है, तो यहां पे मैं इसको 49 रख देता हूं अपॉन 2 into a, what is a, a is 6, तो x is equals to minus 11 plus minus root over, what is the square root of 49, that is 7, 2 6 12, x is equals to, अब थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव, ठीक है, तो मैं आपको यहां पे करा देता हूं, तो टेकिंग
पॉजिटिव साइन, x इज इक्वल टू, देखिए जो b वाला टर्म है ना, ये जो b वाला टर्म है, देखिए माइनस b होता है, तो माइनस b क्या है आपका 11 है। ये जो b वाला टर्म है इसके साइन नहीं चेंज होते, ये जो बीच में प्लस माइनस ना, मतलब ये एक बार यहां पे पॉजिटिव लेना है और यहां पे एक बार नेगेटिव लेना है, तो क्या हो जाएगा माइनस 11 प्लस ले रहे हैं एक बार, तो प्लस 7 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू माइनस 11 प्लस 7 प्लस माइनस माइनस, साइन लगेगा माइनस का, माइनस 4 बाय 12, 4 1 जा 4 3 जा 12 इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 3। तो देखिए x की फिर से वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 बाय 3, एक बार x इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 3 आई। अब टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है नेगेटिव साइन हम लेने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 11, ये वाला साइन तो वही रहेगा, मैं बार बार कह रहा हूं, ये बीच वाला हमें चेक करना है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, अब नेक्स्ट टाइम नेगेटिव, डिवाइडेड बाय 12, तो x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, साइन लगेगा माइनस का, तो माइनस 18 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, तो माइनस 3 बाय 2, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 3 बाय 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट में इसी क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से भी आपको सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूं। फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते थे हम लोग एक बार देखते हैं जरा, इसी क्वेश्चन को मैंने आपको तीनों मेथड से मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं। देखिए क्या करते थे, लास्ट वाले टर्म को आगे वाले टर्म से आप मल्टीप्लाई करोगे, 36 जा 18 आ गया, 18 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करो कि 18 को आप ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करोगे कि आपको आपको एडिशन करने पे कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए, ठीक है। तो 18 क्या 2 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, पहले 18 को 18 इंटू 1 लिख लो, इसको 2 से मैंने डिवाइड किया आ गया 9, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है 9 टू द 18, देखिए 9 और 2 वो दो नंबर हैं जिन दोनों नंबर को एडिशन करने पे कितना आता है 11, को मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 9 टू जा 18, बट अब 9 के पीछे हम क्या लगा देंगे x, 2 के पीछे भी क्या लगा देंगे x, हम दोनों के साइन डिसाइड करेंगे, साइन कैसे डिसाइड करना है देखिए आपको बीच में कैसा लाना है प्लस का, इसका मतलब ये भी प्लस का होना चाहिए और ये भी प्लस का होना चाहिए, अगर मैं इसे माइनस रख दूं सपोज, ठीक है तो प्लस माइनस माइनस 7x आएगा, 9x माइनस 2x 7x, बल्कि हमको क्या लाना है प्लस का 11x, तो प्लस का 2x एंड प्लस का 9x, प्लस 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 साइन लगेगा प्लस का 11x, नाउ मल्टीप्लाई इसको करके देखते हैं, देखिए 9x into 2x दोनों ही पॉजिटिव में, 9 टू जा 18 प्लस 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 x into x x square, और पीछे वाले नंबर को आगे वाले नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया था 36 जा 18 और कैसा आया था वो पॉजिटिव, देखिए आपको पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है ना, तो नंबर कौन से दो पार्ट्स में ब्रेक करोगे आप 11x को 9x plus 2x, तो क्या हो गया 6x square plus 9x plus 2x plus 3 is equals to 0। अब मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, आप curly braces लगा के भी आप सोच सकते हो, ये दो टर्म हो गए और ये दो टर्म, यहां से यहां तक क्या कॉमन आएगा देखिए 3x, ठीक है तो ये मैंने 3x कॉमन ले लिया है, क्या बच गया यहां पे 2x plus, यहां क्या बच जाएगा आपका only 3, इसका मतलब दूसरे ब्रैकेट में भी कितना बचना चाहिए, वही बचना चाहिए जो फर्स्ट ब्रैकेट में बचा है 2x plus 3, तो यहां पे भी कितना बचना चाहिए 2x plus 3, मतलब क्या कॉमन आएगा 1 कॉमन आएगा, कैसा प्लस का या माइनस का, यस प्लस का ही लेंगे माइनस का नहीं लेंगे, बिकॉज मेरे को अंदर साइन चेंज नहीं करने हैं, प्लस का ही 2x रखना है और प्लस का ही 3 रखना है, यहां से देखिए जरा प्लस का ही 2x प्लस का ही 3, तो 1 कॉमन आएगा प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा 2x plus 3। अब देखिए यहां से यहां तक और यहां से यहां तक 2x plus 3 बाहर आ जाएगा और यहां पे भी देखिए 2x plus 3 कॉमन हो रहा है, तो 2x plus 3 और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा आपका 3x plus 1 is equals to 0, now one time इसको आप 0 के इक्वल रखोगे आपको याद होगा क्यों, बिकॉज ये 0 के डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो आंसर कितना आता है 0, तो When 3x plus 1 is equals to 0, तो 3x is equals to 1 उधर जाके क्या हो जाएगा 0 minus 1, minus 1, now dividing by 3 on both side आप 3 से divide कर दो, ये 3 से 3 cancel हो जाएगा, x की value minus 1 by 3 आ जाएगी, या आपको ऐसे भी बताया जाता होगा,
ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। उधर जब 3 जाएगा तो साइन चेंज नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये प्लस का 3 या माइनस का कर देते हैं, नहीं, जब कोई नंबर मल्टीप्लाई में यहाँ होता है उधर डिवाइड में जाता है तो आप साइन चेंज नहीं करोगे, ठीक है। तो x की एक वैल्यू कितनी आई, माइनस 1/3। नाउ 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 3। नाउ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 3/2। ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि क्वेश्चन मैंने सेम लिया था, मैंने आपको फैक्टराइजेशन से लास्ट में कराया, शुरू में मैंने आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी करा दिया, फिर मैंने आपको श्रीधराचार्य रूल से भी करा दिया, ठीक है।